सूर की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पांचवाबली बाब। मैं कवर नहीं कर पाऊंगा बट जस्ट टू गिव यू आइडिया वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए वो अपनी जुबान खोलकर उनको यू तालीम देने लगा मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाह है मुबारक है वो जो गमगीन क्योंकि वो तसली पाएंगे मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के बारिश होंगे मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आज होंगे खुदा के पाकराम का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बढ़ोत okay. अभी पादी साहब ने आपको बताया कि आज का टॉपिक है आइए इसको लिखेंगे ताकि हम बातचीत कर सकें क्रिश्चियन एथिक्स आज के सेशन के लिए हम एक और लफ्ज होता है जिससे मोरालिटी कहते हैं ओ आर ओ आर ए एल आई टी वाई जी अब हम करेंगे थोड़ी सी बातचीत कई चर्चिस में खुदाउन हमें इस तरह सेशंस नहीं करने देते लेकिन यहाँ खुदावंद ने मुनासिब जाना कि हम इस तरह करें सो मेरा ईमान हम सब बरकत पाएंगे सो हम उसके ताबे हैं और उसके कंट्रोल में हैं अब आप मुझे बताएंगे आप के मसीही अखलाकियात क्या है मैं माइक के बगैर भी बात कर सकता I'm going to be a very famous preacher. जी। जी, आप में से कोई बताना चाहेगात क्या है किसको अंदाजा इस्लामिकत क्या है या हिंदू क्या है कोई अंदाजा No problem. चलिए आप वो मैं बता दूंगा पहले आप ये बताएं कि क्रिश्चियन एथिक्स क्या हैत क्या है Uh, किसने ओके okay, मोहब्बत मिली मिलीज ओके okay, लव जी ओके काइंड मेहरबान सॉरी हम आप उर्दू अंग्रेजी जिसमें भी चाहे थोड़ी सी आती जाना आएगी मैं पूछ लूंगा आपसे हम हलीम, ओके okay, वो हो गया एक दूसरे से प्यार करें तर्स खाना कंपैशन कहेंगे हम ईमानदारी ऑनेस्टी भी आप कह सकते हैं सच, कौन बोल रहे अच्छा जी सच्चा सच्चा सच अच्छा जी सच्चा अच्छा सच सच्च बोलने वाला मैं लिखूंगा सच्चा और आ, बाइबल के सच्चा में फर्क है अच्छा जी सच्चा सच सच्च बोलने वाला द द दू सच्चा का मतलब बाइबल में वफादार होता है और एक सच बोलने वाला भी होता है इसलिए आपने इसके फर्क को याद रखना है वफादार बाइबल में उसको कहते हैं जो ईमान से भरा होता है जी और वेरी गुड रहमदेव सॉरी Okay, self control. Praise God. Very good, great comments. Or sorry. It uh, me पार, ओके नो प्रॉब्लम ठीक ठीक है भी है भी लेकिन होली पाक चलन में होली में ज्यादा कवर होता है लेकिन पाक चलन में होली कैरेक्टर आएगा तो फिर ये बात फर्क हो जाएगी जब आप होली कहते हैं इसमें खुदा भी शामिल होता है जब होली कैरेक्टर की बात करते हैं तो ज्यादा हमारे तरफ आ जाती है ये बात जी और साविर Abmuji Sabir Patience. Very good. Great response. I am excited being helper or helping you to teach uh learn. Gee. Yeah. Abir interesting. G. Yeah. गैर लोगों के लिए ओ गैर कॉमो के लिए ओ गैर कॉमो जेंटाइल्स के लिए खादिम बनना Excellent. एक बंदा सिर्फ एक बार आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन ओके जी आ, पीछे से कोई बोला था वफादार वो, वो हो गया चले वफादार अलग कर लेते हैं या वो भी एक ही बात है इट्स ओके आई थिंक हाँ नहीं वो तो अभी बातचीत होगी तो इस पर हो जाए वो ठीक है मतलब कुछ लोगों को खुदा बिलखसूस गैर कौमों के लिए बुलाता है जी रास्तबाज होना चलिए आई थिंक आई के आप सब की पार्टिसिपेशन हो गई है ऑलमोस्ट लेकिन वो चूंकि व्हाइट बोर्ड पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहां रुकूंगा और फिर अब हम बात का सिलसिला आई थिंक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लामिक एंड हिंदू

मेरा नहीं ख्याल मैंने आप लोगों को पढ़ाया इसमें जी पुराने अनाम की अखलाकियात कहां से होती है अच्छी तरबियत ये फैमिली एथिक्स में आएगा ये फर्मा आप पुराने आप अनाम से बात करेंगे प्लीज ठीक है फर्मा बरदारी ंग टैन कमान पुराने अहतनामे की जब इखलाकियात या हम ओल्ड टेस्टमेंट में एथिक्स की बात करते हैं तो उसका मेन टेक्स्ट या मतन दस हुक्म है आपने उन दस हुक्मों को गौर से पढ़ना है उसमें खुदा भी है उसमें इंसान भी है उसमें मुल्क भी है उसमें फैमिली भी है और सोसाइटी भी है इसलिए आपने जब बीइंग ए स्टूडेंट आप सब बाइबल स्टूडेंट्स हैं बेशक आप कॉलेज नहीं जाते इट्स ओके कॉलेज बाइबल स्टूडेंट सिर्फ वो नहीं होता जो कॉलेज जाता है बाइबल स्टूडेंट वो भी होता है जो बाकायदगी से खुदा के कलाम का मताल करता है लेकिन आपने बाइबल स्टडी के बारह तरीके सीख लेने हैं वरना आप ज्यादा मुश्किल में जाएंगे ठीक है और बाइबल स्टडी करते वक्त आपने दो सवाल करने हैं हर आयत पर दो बुनियादी सवाल जो भी शख्स करता है और उनका जवाब ढूंढ लेता है वो बाइबल और खुदा को बहुत गहरे तौर पर जान जाएगा वो दो सवालात क्या हैं पहला सवाल आपने जो भी आयत पढ़नी है आपने इस पर पूछना है पाखरू मुझसे नहीं पूछना पादरी साहब से नहीं पूछना ना मैंने बाइबल लिखी है ना पादरी साहब ने लिखी है ये बाइबल रुहुल कुछ ने लिखवाई है आपने पाकरू से पहला सवाल क्या करना है पाकरू इस आयत का जिनके लिए यह किताब लिखी गई उनके लिए क्या मतलब था दोबारा मैं दोहराऊंगा ताकि आपको याद रहे जिन लोगों ने लोस पैदाइश की किताब मूसा ने लिखी किन के लिए लिखी जाहिर यहूदियों के लिए इसलियों के लिए तो के लिए यह क्या पैगाम देती है आयत खुदा ने इब्तदा में जमीनों आसमान को पैदा किया आज मेरे लिए इसमें क्या पैगाम है और पैगाम आपने उस आयत से वही निकालना है जो उसमें है मिसाल के तौर पर पैदाइश में लिखा पहली आयत में लिखा है खुदा ने इब्तः में जमीन और आसमानों को पैदा किया वहां ये जमा है सीखा जमा है प्लूरल है ये तो इस आयत में पैगाम क्या है दुनिया का खालिक जो है मेरा खुदाबंद है बस इससे आगे कोई पैगाम नहीं है यही गलती ब्रेदरन और पेंटिकॉस्टल चर्च में बहुत है अब मैं पेंटिकॉस्टल चर्च तक महदूद रहूंगा मेरी जिम्मेदारी पहली वो है फिर अगर खुदा मौका दे तो वो भी पेंटिकोस्टल चर्च में प्रॉब्लम ये है जो हमने भी बहुत किया हम खुदा से माफी मांगते हैं हम कलाम में से वो मतलब निकालते हैं जो मुझे ख्याल मिला है गोया हम नए अहनामे के ज्ञानी बन जाते हैं आप बैठे हुए हैं एकदम आयत पढ़ ओह ये ख्याल मिला है ये हो सकता है खुदा की तरफ से हो और हो सकता है अभी आपने उस ख्याल पर गहरा मुताया करना है आपने अपनी सोचें अपने फिलबदी ख्याल चर्च में सुनाने से पहले यह जान लेना है कि आप इसके जिम्मेदार हैं और मुझे और आपको आसमान पर इसका हिसाब देना होगा पिछले दिनों हम एक किताब पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट वो खत्म हो गई हमने उसके कोई चार पेजेस अस्सी पेजेस पढ़ राइटर ने कहा कह, मुझे बहुत अच्छा लगा कहते जब कलाम वही सुनाया जाता है जो कलाम है तो फिर सहराओं में भी जो है नखलस्तान बन जाते हैं नखस्तान कहते हैं वो प्लांट्स वो पौधे जो सहरा में निकल आते हैं सो आपने कलाम की बहुत कदर करनी है क्योंकि पुराने और नए अहदनामा में मुसी अखलाकियात कसरत से मौजूद है मैंने तो अभी आपसे के लिए थोड़ी सी रिसर्च कर ली थी लेकिन पता नहीं क्यों आई डोंट वन लेकिन आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल सो आई एम स्टॉपिंग सेल्फ आइए अब मुझे डिफाइन करने दीजिए कि मुसी इखलाकियात क्या है जब एक ईमानदार जब एक शागिर्द उन खूबियों को जो खुदा की इखलाकी सिफात हैं, न सुनना है जब एक ईमानदार खुदा की उन इखलाकी की सिफात को जो खुदा के अंदर हैं अपनी रूह में लेता है इसे हम दाखली सब्जेक्टिव एथिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कहते हैं आई वुड राइट सब्जेक्टिव आई नो सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव जब एक ईमानदार खुदा की इखलाकी सिफात को पाकरू के ताबे रहकर बड़ी दुआओं और रोजों के बाद ये आसान बात नहीं है तालियां जाना आसान है चंदा देना आसान है गिरजे में आके कुर्सी पे बैठ जाना आसान है कलाम सुनाने चले जाना आसान है बट लेकिन जब तक आपके अंदर मसीह के किरदार की सिफात आपकी रूह का हिस्सा नहीं बनती आप बातनी तौर पर मसी इखलाकियात से खाली हैं अभी तो हम एक्सटर्नल या उसकी बात करेंगे हर मजहब उसकी बात करता है हिंदू भी करते हैं मुसलमान भी करते हैं लेकिन हमारा आज का मौसु मसीह इखलाकियात है वो इखलाकियात जो मसीह में है वो एथिक्स जो मसीह में है वो एथिक्स जो मसीह की ख़िदमत में नजर आती है वो इखलाकियात जो मसीह की तालीम में नजर आती है वो इखलाकियात जो मसीह की मुनादी में नजर आती है उसे हम मसीहीखलाकियात कहते हैं मसीही अखलाकियात मसीह के बगैर नामुमकिन है इसका मतलब यह हुआ हमारी इखलाकियात का मरकज महवर मेरी इखलाकियात का आगाज मेरी इखलाकियात का तसलसल और मेरी इखलाकियात की इंतहाओं में सिर्फ मसीह है हर वो बात जो मसीही इखलाकियात से ऊपर हो या तो वो छूट है या वो मसीह की नहीं है हम अरस्तु की बात नहीं कर रहे हम ग्रीक ग्रीक्स ने बहुत लिखा है जिसमें यूनानियों ने बहुत लिखा है इसमें सो हमने पहले डिफाइन करने की कोशिश की है वो बातनी इखलाकी खसूसियात वो क्या है इखलाकी बातनी खूसियात क्या है यू ऑल टोल में ठीक है मोहब्बत मेहरबान सबर तोहमल नेकी हिल मुआफी सुलह इत्मीनान फर्माबरदारी यह है मुसी अखलाकियात ये बातन की बात है चर्च बाहर आउट की बात करता है मैं कहता हूं पहले आप अंदर की बात करें मेरे अंदर जितनी मसीही इखलाकियात है उतनी ही बाहर भी होगी अगरचे पाकिस्तान का फेक पेंटिकॉस्टल चर्च कई एस्पेक्ट्स में हमें गोरे भी बहुत सी अखलाकियात देते हैं जैसे उनकी स्पोर्ट आती है हमारा जो जी चाहता है वो हम करने के पाबंद होते हैं लोग समझते हैं ये पास्टर की एथिक्स है नो ये पास्टर की एथिक्स नहीं है ये पास्टर की मजबूरी है जस्ट उसको हैंडल करने के इवन देन वो खलाकियात है अब आपने अगला फिक्रा ध्यान से सुनना है मसीह की चलिए थोड़ी सी खलाकियात की बात हो जाए की इखलाकियात की मुझे एथिक्स बोलना ज्यादा इजी लगता है तो अखलाकियात मुझे दो मिनट लग जाते मसीह मसीह की की कि मुझे जो सबसे चीज मशहूर कुन है मेरे लिए फैसिनेटिंग है मेरे लिए मुझे बहुत दिलकश लगती है मशहूर कुन है मेरे लिए वो मसीह की हलीमी ह्यूमिलिटी ऑफ क्राइस्ट उसकी ये खूबी इस कदर नुमाया है मुमताज है मुनफरद है उत्तम है बालातर है यह दावा किया कि मेरा आई एम स्कूल ऑफ ह्यूमिलिटी मुझसे सीखो अगर तुमने यह सीखना है हलीमी क्या है फिरोतनी क्या है क्या है इनकी सारी क्या है आई एम द स्कूल ऑफ एथिक्स एंड ही मैं हूं हलीम आइए थोड़ी सी हलीमी लफ्स की खिलाफ यूनानी लोग जब लिखा है ना अभी मैंने आयत पढ़ी थी मुबारक है वो जो हलीम है यूनानी लोग जब किसी शख्स को हलीम कहते वो कैसे था उस जमाने में जब किसी जानवर को सुधा लिया जाता जिसे हम आजकल टेम्ड एनिमल कहते हैं टी एम ई -ए डी टी एम डी -ए अगर आपने हॉर्स एंड कैटल शो देखा जब हम छोटे होते थे उस वक्त होता था अब काफी देर बाद हुआ है तो अब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें फोटो स्टेडियम में होता था अभी हुआ पीछे मेरा ख्याल उसमें आपने देखा होगा जब वो जानवर को कहते डांस कर वो डांस करता है, जब वो को कहते जा, वो जाता है। इसे हम सुधाया हुआ सिखाया हुआ या टेम्ड एनिमल कहते हैं इस मतन में एक इस लफ्स का पस मंजर यह है वो ईमानदार जो रूहुल कुछ के मुकम्मल कंट्रोल में रहता है वो हलीम होता है मेरा उठना मेरा बैठना मेरी गुफ्तगु मेरी मुनादी मेरी तालीम मेरे पैगाम मेरे जज्बात मेरे ख्याल मेरा प्रेजेंट मेरा फ्यूचर जितना ज्यादा रूहुल कुछ के ताबे है कंट्रोल में है आप उतने ही हलीम हैं बड़ा मुश्किल है हमारे लिए ये। हम जिस दौर में रहते हैं वह रफ्तार बहुत तेज है हा आजकल अंग्रेजी का लफ्ज आपने सीखा होगा क्विक फिक्स मैकडोनल्स एंड ऑल फास्ट फूड दे आर क्विक फिक्स रेडीमेड कपड़े आर क्विक फिक्स रेडीमेड बालियां एंड पजेब एंड ऑल द ज्वेलरी इट्स अ क्विक फिक्स जल्दी से बहने जाती फटाफट लेके आ जाती है लोग कहते हैं आपने बहुत कमाल पहने इट्स अ क्विक फिक्स ह्यूमिलिटी एंड एथिक्स आर नॉट क्विक फिक्स दे आर अ प्रोसेस ये दो लफ्स अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करूंगा इधर मैंने थोड़ी सी बात अगर मिट गया तो दोबारा हम कर सकेंगे आपने इलाकियात को सफर समझना है इन दो दो्फास के दरमियान ओ सॉरी अमल आ, ना, या वाकया प्रोसेस और इवेंट अभी हम सिर्फ इंटरनल या सब्जेक्टिव या दाखली की बात कर रहे हैं आधा घंटा सब्जेक्ट पे होगी फिर छुट्टी हो जाएगी आपको मेरी तरफ से अभी सर जी का सेशन बाकी सो so, आपने याद रखना है इखलाकियात इवेंट कैसे है जिस दिन आपके और मेरे गुनाह मुआफ होते हैं हैंत मेरी रूह में आ जाती है दोबारा जिस दिन आपके और मेरे गुना आज से को बत्तीस साल हो गए मुझे कईयों को ज्यादा होंगे थर्टी टू ईयर्स पहले जिस दिन यस्सु ने मेरे गुनाह मुआफ किए मुझे पता चल गया उस दिन तो नहीं चला अब सीख रहे हैं कि उस दिन मेरे अंदर मुसीही इखलाकियात भी आ गई क्यों क्योंकि उस दिन मुसीह मेरे अंदर आ गया था मसीह का रूह मेरे अंदर आ गया था रूह का फल मेरे अंदर आ गया था इसलिए मेरे अंदर जो है मसीही अखलाकियात मेरी रूह में है ये लफ्ज आपने याद रखने हैं इसे इसीलिए हम सब्जेक्टिव कहते हैं आपके अंदर आपके बातन में जो इखलाकियात है इसे बात नहीं कह ले आई थिंक दाखिली भी कहते उर्दू में शायद या दाखली, अंदरूनी ये आपकी रूह में है गोया हर मुसी को इखलाकियात का एक नमूना होना चाहिए अगर आप और मैं ये कहते हैं आपका और मेरा ये दावा है कि मैं मुसी ही हूं तो फिर मेरे और आपके अंदर है। हम बदतमीजी नहीं कर सकते हम वाइफ के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकते हम गालियां नहीं दे सकते हम बसेस नहीं तोड़ सकते हम गलत जलसे नहीं कर सकते हम गलत बातों में साथ नहीं दे सकते क्योंकि मेरे अंदर एक इखलाकियात है उसे हम सब्जेक्टिव बातनी अंदरूनी दाखली इखलाकियात कहते हैं आप अगला नुकता ध्यान से यहां ये आपको मिली है राइट इवेंट के दिन आपकी रूह में ये दाखिल हुई है इस इखलाकियात का ध्यान से सुनिए आपकी रूह पर हाँ सॉरी आपकी जान पर कितना इसका असर हुआ है उतना ही ज्यादा आप आमद के लिए तैयार होंगे हम बड़ी ताड़ियां बजाते हैं यह सुहाने वाला है कर लो त्यारियां यह वाला है गारे होते ऊंची उच्ची ताड़ियां गुड इट बट हम जलाल की बातें करते हैं हम ताज की बातें करते हैं पिछले संडे में चर्च को सिखा रहा था जलाल सिर्फ उनको मिलता है जो दुख सहते हैं जलाल एंड देर इज नो फ्री जलाल फ्रेंड्स इज नॉट फ्री बाय है आपको दुख सहना है ताकि मेरी बातनी इखलाकियात मुसी की इखलाकियात से मैच करे ना के मिसमैच करे जिसकी बातन में इखलाकियात मैच हो जाती है वो मसीह जैसा हो जाता है जो मसीह जैसा हो जाता है दुनिया उसी का तो इंतजार कर रही है 2017 में मैं उसको कहता हूं खुदाम से मुलाकात इस अंग्रेज कहते हैं एनकाउंटर विद गॉड हमारा एक कोर्स था मैं और सर सैम्यूल भी उसमें थे चलो मैं हमारा ड्राइंग रूम इससे लंबा है डबल कर सकते हैं आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस घर में था वो पुराने घर में इतना था लेकिन ऑलमोस्ट इतना पोर्शन था जिसमें मैं बैठा हुआ था करते-करते वो जगह खुदा की हुज़ूरी से भर गई चंद ख्यालात ने मुझे घेरा कि आप की पूरी उम्र मदद करेंगे और मेरी कर रहे हैं मुझे सिखाया गया जावेद खिदमत शोर शराबे का नाम नहीं है बड़ी महास भीड़ जमा कर लेने का नाम नहीं है मैं क्रूसीड्स के खिलाफ नहीं हूं प्लीज डोंट मिस अंडरस्टैंड मई लेकिन जितनी ज्यादा तेरे अंदर मेरी इखलाकियात है जितना ज्यादा मेरी रूह में ते, तेरी रूह में मेरा मिसाज है उतनी ही बादशाही बढ़ती और फैलती है वरना महज शोर होता है दोबारा में दोहराऊंगा आप यह कहते हैं कि मेरे अंदर मुशी इखलाकियात है मैंने एक बड़ा क्रूसेड अरेंज किया है पांच हजार का सेमिनार किया है दिस इज नॉट बैड एट ऑल मे ब्लेस बट मैं आप तो अगली बात करें मैं तो अभी पहले स्टॉप पे हूं पहले स्टॉप से बस पकड़नी है आपने आखिरी पे उतरना है आपने so, पहला स्टॉप है अपने बातन पर मेहनत कीजिए ताकि आपको यकीन हो कि आपके अंदर मसीही अखलाकियात है और नुकता यह था कि मसीह का की अखलाकियात का एक बड़ा नुकता यह है मसीह ने कहा मैं हलीम हूं हल्की और बात मुसीकीहियात पर क्राइस्ट इज लव खुदा मोहब्बत है अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आधा घंटा मेरा रह गया अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव एथिक्स जाहिरी खारजी ऑब्जेक्टिव एथ एच आई एम सॉरी यू कंफ्यूज अगर आप मेरे बाइबल स्टूडेंट्स हों और आप कंफ्यूज हो जाए तो यह मेरे दिल की खुशी और खुरमी है बट इफ यू आर नॉट माई राइटल स्टूडेंट आई मेक यू कंफ्यूज क्लासेस में हम जानबूझ के उनके साथ हर तरह से काम कर रहे होते हैं ताकि वो सोच सकें वो सवाल पूछ सकें वो घर जाके सोचे ये क्या कह दिया सर ने यही हमारा मकसद होता है जो सोचना शुरू करता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है चलिए आगे अब आपने पहला हिस्सा ये था कि अब हम खिदमत के मसीही इखलाकियात के इस मकाम पर खड़े हैं कि मेरे अंदर मोहब्बत है मेरे अंदर मुआफी है मेरे अंदर रू फल है मेरे अंदर इतमान है मेरे अंदर ईमानदारी है मैं गवर्नमेंट जॉब में सारे रिश्वत ले रहे होते हैं मैं ऑफिस में माइनॉरिटी हूं अकेला हूं मैं वाहिद हूं जो रिश्वत नहीं लेता क्योंकि मेरी इखलाकियात मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं ऐसा करूं अब हम बात करेंगे अखलाकियात का दूसरा पहलू ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती अखलाकियात अब हम फिर से मिटाएंगे थोड़े से आपके ख्याल और बीस मिनट मेरी बातें दस मिनट आपकी बारी I'm sorry, we talked almost जो आपने लिखा था मैंने उस सब के बारे में बात की एक अखलाकियात आपके अंदर है दाखिली कैसे होगी और सॉरी खारजी कैसे होगी ऑब्जेक्टिव कैसे होगी ये लव्स मुश्किल तो नहीं है अगर मुश्किल है तो मैं खुश हूं ताकि आपने सोचा होगा ये क्या होता है यकीन कोई चाइनीज डिश नहीं है श्योर वी लव चाइनीज फूड ऑल जी अच्छा जी एस्पेक्ट दिखावा सॉरी ओके चापलूसी अब लिखेंगे नहीं टाइम बच जाएगा फिर मेरा और आपका भी जी जी थैंक यू चापलूसी पारसाई पारसा होना नेक होना मेरा ख्याल पारसाई वेरी गुड ओवर कॉन्फिडेंस इसकी उर्दू तो पता नहीं क्या, क्योंकि हम ये बोलते नहीं हैं हद से ज़्यादा एतमाद ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं जो मनफी सेंस में ओवर कॉन्फिडेंट होता है जो नेगेटिव होता है ये वर्ड क्या बोला आपने अच्छा जी आई लाइक इट जी ओवर कॉल uh, जी और पांच मिनट है आपके पास अभी फिर मेरी बारी डन नो ऑब्जेक्टिव राइचियसनेस हम सॉरी आजकल मैं मजमून लिख रहा हूं तो मेरे जेन में वो ऑब्जेक्टिव राइचियस uh, खारजी खारजी जो है ऑब्जेक्टिव राइचियसनेस कहते हैं जब एक इट्स ओके। okay. मेरे लिए सबसे अच्छा शख्स वो होता है जो जवाब दे चाहे गलत दे क्लास में मैं इसको नहीं देखता कि किसने क्या जवाब दिया है मेरे लिए यह है कि उसने जो कुछ बोला है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक में किताब पढ़ते हैं हम आई थिंक सो या ये उन्होंने लिखी है, आई खुदा है। सेलिब्रेशंस ऑफ़ जिन्होंने लिखी किताब एक राइटर अभी नाम आ जाता है मेरे में वो क्या कहते हैं शख्स था तो वो दुआ मांग रहा था सादा सा था कपड़े भी उसके ठीक नहीं थे पंजाबी उसको आती थी उर्दू भी नहीं आती थी यूनानी भी नहीं आती थी इबरानी भी नहीं आती थी तो वो दुआ मांग रहा था और पा, पास से जरा कुछ साफ साफ पादरी गुजरा टाई लगी हुई है नई पेंट शर्ट है उसको यूनानी भी आती है उसको इबरानी भी आती है खुदा ने उससे कहा इसकी तरफ गौर से देख तो उसने कहा खुदा मैंने नहीं देखना इसको तो उर्दू भी नहीं आती तो मैंने इसकी क्या बात सुननी है इसकी तरफ तो मैंने देखा इसके कपड़े देखो कैसे जराबें देखो फटी हुई हैं मैंने नहीं इसकी तरफ देखना खुदा ने कहा इसको गौर से देख खुदा ने उससे कहा मेरा बच्चा जब भी मेरे पास आता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता वो कैसी दुआ कर रहा है बाप की ये खुशी है कि बेटा बाप से बातें कर रहा है So, आपने गलत दुरुस्त जवाब की परवाह नहीं करनी जस्टाक इसे हम यस्सु मसीह का तरीका तालीम कहते हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूं हमने काफी साल पहले सीखा तो मैं भूल गया कई साल सर so, आपने इसको करना है कि आपने अब हम आगे बढ़ेंगे जब एक मसीही ईमानदार मैं ये लफ्ज़ जुदा जुदा करके बोल रहा हूं यही मेरा बोझ है चर्च के लिए कि हम यहां तक पहुंचे जब एक ईमानदार जब एक शागिर्द जब एक मसीह का खादिम खादमा दोनों में मर्द और, और दोनों पर्सन वो मसीही खलाकियात जो उसके बातन में है दूसरों से प्रैक्टिकली शेयर करता है हम उसे खारजी या ऑब्जेक्टिव जो है एथिक्स कहते हैं ये अच्छा है आपके अंदर हलीमी है ये अच्छा आपके अंदर मुआफी है अच्छा है आप रहमदिल हैं अच्छा है आप सलाह कराते हैं लेकिन दूसरों को इससे सोसाइटी हील नहीं होगी इससे ये इलाका शिफा नहीं पाएगा इससे ये मोहल्ला शिफा नहीं पाएगा इससे खानदान शिफा नहीं पाएंगे इससे खामन शिफा नहीं पाएंगे इससे बीवी शिफा नहीं पाएगी इससे बाप शिफा नहीं पाएगा इससे बेटा शिफा नहीं पाएगा इससे पासवान शिफा नहीं पाएगा जब तक आप उसे प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे आप चर्च में कलाम सुनाए मुआफी पे मैं मेरी तरह छत मुश्किल से बची इतनी ऊंची सुनाया लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली खुद नहीं करते तो फिर ये दिखावा है मैं कहता तो माफ करो क्योंकि मैं तो करना नहीं तुम करो समाइम प्रीचर्स लाइक दिस दिया करो मैं कह दिया करो नहीं तो देना नहीं आपने लर्न करना है अगर आपने टीच करना है दूसरों को सोसाइटी को तब्दील कर दस कम सोसाइटी को तब्दील करते हैं जो अखलाकियात मुआरे को तब्दील ना करे इसका मतलब है जो इखलाकियात मुआरे को तब्दील ना करे इसका मतलब है या तो वो अखलाकियात में नक्श है या जो जिसके अंदर है उसमें नक्श है लेकिन सच यह है कि मसीहीखलाकियात में नक्श नहीं है मसीही इखलाकियात में खराबी नहीं है मसीही एथिक्स में खराबी नहीं है वो सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है वो अंदरूनी भी है वो बैरूनी भी है क्राइस्ट इसके एग्जाम्पल है शागिदों को पहले उसने सिखाया तुमने रहम दिल बनना है बहुत खुश थे अगर पेंटिकॉस्ट से तालियां बजा रहे होंगे डांस कर रहे होंगे अब बारी आई ऑब्जेक्टिव की कहा ओके okay, यार ये बड़े दिनों से मेरे साथ है कीजिए आज के दौर में ये से बात करें ए पत्रस यार ऐसे कर ये बेचारे तीन दिन से हमारे साथ है और बहुत गर्मी है इनको खाना दे इन्होंने बहुत दूर जाना है वरना ये राह में थक के रह जाएंगे कुछ कर इनके लिए ये अब उनकी सब्जेक्टिव राइचियसनेस का टेस्ट था शाहिद लाहौर के निकले फटाफट गोरे नही कलते डॉलर ही डॉलर पांच हजार दजमा हो नहीं गया नहीं तो मैं क्या आई उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था लेकिन शुक्र खुदा का शागिद यहां नहीं रुके दो मिसालें पत्रस, यहां परेशान है सारे लेकिन अमाल की किताब में क्या कहता है तुमने गरीबों और यतीमों के लिए ये लोग मैंने कर दिए हैं इन्हें रख लो हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में रहेंगे यूहना पक्का पंजाबी कहता यसू कहते आवे आग फिर डा दिए ना सारे उसे कहना ना ना, ना, ना। तुम नहीं जानते तुम कैसी रूह के हो और वो इतना तब्दील हुआ कि उसको मुकाशफा मिला खुदा मोहब्बत है आमें, आमें। आपने इस सफर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपकी जो दाखिली खारजी जो रस, आ, है इखलाकियात उसमें आप शिकस्त खा जाएंगे आप हार जाएंगे आपने अपने अंदर एक बनाना है एक बड़ा कानून अपने अंदर लिखना है कि मैं जिंदगी भर कभी बेदिल नहीं होगा। हाँ आप बेदिल होंगे हाँ बेदिली के सीन आएंगे खौफ आएगा दहशत आएगी मायूसी आएगी गुरबत आएगी तूफान आएगा आंधियां आएंगी लेकिन आपने आज सेमिनार में फैसला किया मेरे अंदर मसीही इखलाकियात है इसलिए मैं बेदिल नहीं हूँ क्योंकि बेदिल ना होंगे तो एन वक्त पर काटेंगे जल्दी से मैं आपने एक दिन को एक ही दिन में जी के आगे बढ़ जाना है आज के दिन आप ऑब्जेक्टिव आप खारजी इखलाकियात में दूसरों से इजहार करने में नाकाम हो गया इट्स ओके okay. अगले दिन वो नहीं सोचना कल में नाकाम हुआ था नया दिन नए ईमान के साथ इस ईमान के साथ शुरू कीजिए आज मैं सबसे प्यार करूंगा। आज मैं सबकी इज्जत करूंगा आज मैं हलीमी से पेश आऊंगा। आज मैं मेहरबान बनूंगा। आज मैं फरोतन बनूंगा आज मैं आजिश बनूंगा आज मैं गरीबों की मदद करूंगा आज मैं सबके लिए दस्तियाब हो जाऊंगा आप हर रोज नहीं कर पाएंगे आई एम सॉरी आई एम नॉट एंग यू लेकिन मैं आपको झूठी बात भी नहीं बता सकता आप हर रोज़ इस इखलाकियात का मुजाहरा नहीं करेंगे कभी कभी आप बहुत आपका रवैया गैर इखलाकी होगा नापाकी होगी मायूसी होगी बेदिली होगी नफ़रत होगी हसद होगा बुगस होगा कीना होगा जुदाइँ होंगी बिदते हो सब कुछ होगा और आप कहेंगे हमने तो सेमिनार में सुना था मेरे अंदर अखलाकियात है वो कहाँ चली गई है वो कहीं नहीं चली गई आपने वापस आना है मसीह आप कैसे कैसे अपने अपने साथ साथ दूसरों के साथ, अपने अंदर हैकियात को ला सकते हैं इसके तीन सोर्सेस तीन जराए थ्री सोर्सेस हाउ यू कैन बिकम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव थ्री सोर्सेस तीन ज़राए नंबर वन तीन तरीके जिससे आप बातनी और खारजी दाखली और खारजी दोनों तरह की रास्तबाजी में ग्रो कर इखलाकियात में ग्रो कर सकते हैं नंबर वन खुदा का कलाम एक बसुर जिनका नाम जॉर्ज मुलर है या मुझे भी आम खोल ले यार तेरी मेहरबानी एक बसूर खादम जिनका नाम जॉर्ज मुलर है उनसे किसी ने पूछा कि उन्होंने उनके बारे में मैंने किताब में पढ़ा उन्होंने जिंदगी में लेक्सपोज एक सौ पैंसठ या एक सौ पचहत्तर बार बाइबल को पढ़ा वन सेवेंटी फाइव उनका जवाब ध्यान सुना है कहते मैंने पचहत्तर या पैंसठ बार बाइबल को घुटनों के बल पढ़ा है इसलिए आप उसकी छोटी सी उनकी किताब पढ़ें मर्द ईमान आपकी जिंदगी बदल जाएगी मसीही खलाकियात उसके सब्जेक्टिव भी थी और ऑब्जेक्टिव भी से यतीम खाने को ले और वो कहानियां पढ़े आपके आंसू बह निकलेंगे आप टूट जाएंगे आपको ये गरीबों यतीमों के लिए और ज्यादा इस को करने का अमली मौका पाएंगे आप खुदा का कलाम पढ़िए कितनी बार जितनी बार भी पढ़ सके सुबह दोपहर शाम रात जब भी मौका मिले पढ़ लीजिए सुन लीजिए मैं रह चुके तालीम से मैं वाबस्ता हूं तो मेरी जिंदगी की बहुत कम रातें हैं जो कलाम और पढ़े बगैर गुजरती हैं मैं नहीं सो पाता एक दिन तो मेरी बीवी से कुछ मुझे मिल गया जो मिलना चाहिए था मैं बाहर से कलाम सुना के आया तो आते ही मैंने किताब पकड़ ली और फिर जिमें क्या होगा तो आप ही सोच लो ठीक है सो ठीक कहा था उसने भाई वो सुबह से मेरा इंतजार कर रही है कि मेरे से आके आप बातें करेंगे तो मैं आने ही किताब पाड़ ली एक और बात जो आपने नहीं करनी आपने बाइबल मुकदस से ज्यादा किसी किताब को अहमियत नहीं देनी एक दिन मैं सुबह सवेरे उठा उठते ही मेरी आदत ये खुदा ने नहीं हम आ रहा इसमें कमाल नहीं मैं उठते ही पढ़ना शुरू हो गया किताब लेके अभी उठ के बैठा हूं। कोर्स था हमारा वो उठ के पढ़ना शुरू हो गया एक खौफनाक फिक्र मेरे जहन में आया हो सकता है ये खुदा की तरफ से हो वो किताबें जिनको आप बाइबल से ज्यादा तरजीह देते हैं वो आपके लिए से बरकत नहीं होती आपने खुदा का कलाम पढ़ना है क्यों क्योंकि आपको पता चलेगा मुसी की अखलाकियात क्या है आपको पता चलेगा मुसी अखलाकियात क्या है आपको पता चलेगा अंदरूनी इखलाकियात क्या है आपको पता चलेगा बैरूनी अखलाकियात क्या है नंबर टू आई मिनट्स वो मैं उस वॉल क्लॉक को फॉलो कर रही सही है ना है ना दस बजे हो ओके okay. दूसरी बात रूहुल कुछ की ताबे जिंदगी बसर करना रूमियो आठवां बाब जिसको समझ आ गया समझ लेना उसका जीवन बदल गया है मसीही होता ही वही है जो पाखरु के ताबे होता है और मसीही बनता ही वही है जो पाखरू के ताबे होता है और मसीही बनता ही वही रहेगा जो पाखरू के ताबे रहता है जो पाखरु के ताबे है उसकी खलाकियात मसीह जैसी है जो पाखरू के ताबे है उसकी अंदर इखलाकियात है जो पाखरू के ताबे है, है।, है वो बाहर भी इखलाकियात का मुजाहरा करेगा पाखरू को जानिए पिछले संडे मैंने कलाम सुनाया ईद पैंतीकोस्ट था हम पेंटिकोस्ट गैर जुबानों पर जोर देते हैं देना भी चाहिए मुबारक है वो जो गैर जुबान बोलता है लेकिन जब शाम हुई एक ख्याल मुझे मिला जो मेरे लिए चैलेंजिंग था हमने पाखरू से ज्यादा गैर जुबानों की बात की है ईद पेंटिकोस्त गैर जुबानों के बारे में बात करने का दिन नहीं है ईद पैंतिकोस्त रुहुल कुछ की शख्सियत की बात करने का दिन है उसकी ज़ात की बात करने का दिन है उसके उसाफ की बात करने का दिन है उसके जोर की बात करने का दिन है और उसका तब्दील किया हुआ कोई उसको नहीं तब्दील कर सकेगा जब तक वो अपने आप को ताबे ना कर दे उसके हमें वो तब्दील कर रहा है आप भी तब्दील हो रहे हैं और जा... जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती बिल्कुल दुनियादारी की मैं बात कर रहा हूं लड़ाइयाँ, झगड़े शराब नोशी शराब बेचना शराब पीना शराब के लाइसेंस बनवा लेना बाद में कहना जी मैं एक मिनट में मीर हो गया हूं हमें इन बातों से नफरत हो रही है क्योंकि हम मसी की और मसीही दाखिली और खारजी इखलाकियात में आगे बढ़ रहे हैं हु? इस सवाल का जवाब आपने सोचना है तेरी जिंदगी का काबू किसके पास है हु इज चार्ज ऑफ योर लाइफ कई लोग एक फलसफा कहता है जितना ज्यादा तू अपने आप को काबू कर ले तो उतना ही महान है लेकिन मसीही फलसफा यह है तू जितना ज्यादा घट जाएगा तू उतना बड़ा इंसान है सी की जात की बुनियादी सिफ्त है जिसको आपने याद रखना है वो हलीम था वो घटा था इसे कॉन्डिशन जब कोई शख्स अपना तख्त छोड़कर नीचे आ जाए जब कोई बड़ा मर्तबा छोड़कर नीचे आ जाए खुदा इंसान बना है सो so, आपने रूहुल कुछ को जानना है रुहुल कुछ के बगैर आपको नहीं समझ आएगी के मसीही खलाकियात क्या है रूल कुछ के बगैर आप नहीं बयान कर पाएंगे मसीही खलाकियात क्या है एंड लास्ट पॉइंट देन क्वेश्चन टाइम फॉर टेन मिनट याटेड फिफ्टीन एम फिनिशिंग एट फिफ्टीन कोऑर्डिनेटर हिज बॉस ऑफ द नाइट सो लास्ट पॉइंट द ब्लड ऑफ जीसस अब आप कहेंगे ये इसका क्या लिंक है मेरी दाखिली और खारजी से मेरे तो गुनाह माफ हो गए हैं पेंटिकॉस्टो में गैर जुबानी बोलता हूं मैंने बपतिस्मा लिया है मैं कलाम सुनाता हूं मैं दूर दूर जाकर कलाम सुनाता हूं मैं पाकिस्तान में भी कलाम सुनाता हूं मैं बाहर के मुल्क में भी कलाम सुनाता हूं बट वाई डू आई नीड द ब्लद ऑफ जीस क्यों मुझे मुसीह के खून की जरूरत है मसीहियात के लिए इसकी वजह यह है अक्सर नट अक्सर अक्सर उत कुछ लोग कुछ बार और कई लोग कई बार जो है दाखिली बिलखसूस जो खारज एक्सटर्नल है बैरूनी है, ए, 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 एक्स, उसका नहीं कर पाते आपके पास कोई गरीब आया खुदा ने भेजा आप मदद करने में नाकाम हुए यू नीड द ब्लड ऑफ जीसस आपने उसकी मदद खुदा ने तो आपके पास भेजा था आपने आगे दारे में भेज दिया जा कुल चला जा, कुल पैसे है अगर आपके पास नहीं है फिर तो ठीक है लेकिन अगर वो आपके हिस्से में आया है तो हमने खबरदार रहना है जो हमारा हिस्सा है वो हमने अदा करना है आपने इसके बारे में सोचना है कि मुसी का खून मेरी हर बार नाकामी में जब मैं इखलाकियात का मुशाहरा नहीं कर पाता इखलाकियात मेरी जिंदगी से जाहिर नहीं होती मुसी का खून मुझे बार बार धोता है ताकि मैं फिर से इखलाकियात के सफर में शुरू हो जाऊं लेट मी कंक्लूड है ताकि आप सवाल कर सकें दुनिया का हर मजहब इखलाकियात की बात करता है हमने शुरू में हल्की सी बात इस पर की फिर मैंने कहा कि इखलाकियात क्या है यू गेम लॉट ऑफ एंड ग्रेट डेफिनेशन बिल्कुल वो दुरुस्त सारी फिर मैंने आपसे यह शेयर किया मसीही जिस मसीह के अंदर खुदा की इखलाकी सिफात होती हैं, उसे हम मसीही कहते हैं और वो मसीह की इखलाकियात उसकी रूह में होती है और जान को आपने इन्फ्लुएंस करना है असर डालना है उस पर ताकि किसी तरह आपकी जान में आपकी मर्जी में आपके ख्याल में और आपके जज्बात में जो है इखलाकियात नज़र आए फिर मैंने बात की कि ये अंदरूनी होती है और बैरूनी होती है जब ये अंदरूनी है तो जब आपके गुनाह माफ हुए लेकिन बैरूनी का सफ़र है जो आज तक जारी है अगर लीडर्स को यह बात चुभे ना तो गौर से सुनिए हो सकता है आपके चर्च का मेंबर आपसे मसीही ही इखलाकियात में आगे हो आई एम सॉरी oops, don't लाइक like it. बी ऑनेस्ट हो सकता है मैं सिखा रहा हूं आप मुझसे ज्यादा हो फिर मैंने मुखसर बात की के तीन तरीके हैं जिससे आप मसीही खलाकियात में बढ़ सकते हैं नंबर वन खुदा का कलाम नंबर टू क्या बताया था होली स्पिरिट कंट्रोल्ड लाइफ फिर नंबर थ्री द ब्लड ऑफ जीसस आपने जिसके अंदर ये तीनों असूल काम करते हैं वो आज नहीं तो कल इखलाकियात में पढ़ना शुरू हो जाएगा चर्च की जरूरत बड़े इज्तम नहीं है चर्च की जरूरत बड़े प्रोग्राम नहीं है चर्च की बड़ी जरूरत यह है मेरे और आपके अंदर हम सब के अंदर मसीही इखलाकियात हो आमिर थैंक यू जी सॉरी मैं आपको दस मिनट देना चाह रहा था सवाल के लिए बट आई है थ्री फोर मिनट्स जी कोई सवाल जो आप पूछना चाहें सवाल के लिए लाजमी है कि वो आसान हो मुश्किल सवाल के लिए आप पास्टर आर्थर साहब से रब्ता करें मैं एक शरीफ इंसान हूं जी